घर परिवार और रसोई में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिनी और आज मैं बनाने वाली हूँ चटपटा कॉर्नफ्लेक्स भेल। चटपटा कॉर्नफ्लेक्स भेल बनाने के लिए मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू, कटे हुए टमाटर, हरी धनिया पत्ती, कटे हुए प्याज, ग्रेटेड अदरक, भुना जीरा पाउडर, आवश्यकता अनुसार नमक, अनार के दाने, कॉर्नफ्लेक्स और ये घर की बनी हुई खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसमें मैंने पहले से लाल मिर्च कुछ डाले थे चटनी बनाते वक्त, इसलिए अलग से लाल मिर्च पाउडर मसाले में नहीं यूज कर रही। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिला लीजिए। टमाटर, बॉइल्ड आलू, कटे हुए प्याज, अदरक, हाफ धनिया पत्ती डालेंगे और जो थोड़ी सी बची हुई है वो फाइनल जब गार्निशिंग करेंगे तब, और अनार के दाने भी साथ में, नमक, जीरा पाउडर। अब हम इमली की चटनी मिलाएंगे। याद रखिएगा इमली की चटनी अंतिम में मिलाएं ताकि हमारा कॉर्नफ्लेक्स सॉगी ना हो जाए। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। जरूरत के हिसाब से आप चाहें तो और भी इमली की चटनी इसमें ऐड कर सकते हैं। हम और चटनी इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लीजिए। ये अच्छे से मिल गई है और हम इसमें अब डालें अनार के दाने और बचे हुए धनिया पत्ती। अंतिम में आप ऊपर से सेव या भुजिया डाल सकते हैं। देखिए ये कॉर्नफ्लेक्स भेल बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाला स्नैक्स आइटम है। आप सब भी इसे जरूर ट्राई करें और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।